या हाय गाइस, वेलकम टू दयाल एकेडमी। इस वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला स्किल एनहांसमेंट कोर्स ट्रांसलेशन स्टडीज का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, इस सब्जेक्ट की कुछ वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक क्वेश्चन से जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन है ऑन कंजेगेटिव इंटरप्रेटिंग एंड साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग। आपको पूछा गया है हाउ इज कंजेगेटिव इंटरप्रेटिंग डिफरेंट फ्रॉम साइमल्टेनियस इंटरप्रेटिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एंड सेकेंडली ये पूछा गया है कि हाउ कैन द इंटरप्रेटर एंड द स्पीकर ओवरकम द चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग। तो गाइस, इसका आंसर शुरू करने से पहले एक बार मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। हमारी एक पहली क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने दिया था ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, मीनिंग, व्हाट इज सोर्स लैंग्वेज, व्हाट इज टारगेट लैंग्वेज। उसके बाद हमने डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, जस्ट टू मेक यू फेमिलियर कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी ईजी। ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली कुछ क्वेश्चंस हमने लिए थे जो एक्चुअल ट्रांसलेशन पर बेस्ड थे। इसमें से एक क्वेश्चन ये है जो आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, जिसमें सिंपल वर्ड्स को ट्रांसलेट करने के लिए बोला गया है। ऑल्दो एग्जाम में गाइज इट इज वेरी मच प्रोबेबल कि आपको एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक पैसेज इंग्लिश में दिया होगा, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, या हिंदी में दिया होगा, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके अलावा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आता है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली ईडियम्स यानी मुहावरे दिए जाते हैं, ठीक है, और आपको उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का, जिसमें डॉल्फिन्स पर बात की गई है, ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन पेपर में जनरली एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, अभी तक जो ट्रेंड देखने को मिला है। और एक बिग पैसेज को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना। आज हम बात करने वाले हैं इंटरप्रेटिंग के डिफरेंट टाइप्स में जो डिफरेंस आपको पूछा गया है, वो समझने से पहले ये जरूरी है कि आप ये समझें इंटरप्रेटिंग क्या होती है, हाउ इज इट सिमिलर टू ट्रांसलेशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन। इसके बारे में बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो गाइज, पहली चीज जो हमने समझी थी पिछली वीडियोस में कि जब भी ट्रांसलेशन की जाती है सोर्स टेक्स्ट की, जो कि सोर्स लैंग्वेज में लिखी है, उसे आप टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान दें कि जो कंटेक्स्ट है वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। मैंने शायद आपको कुछ वर्ड्स के एग्जांपल्स दिए होंगे कि मान लीजिए किसी टेक्स्ट को जो हिंदी में लिखा गया है उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, और उसमें एक वर्ड आता है सिंदूर, ठीक है। तो अगर आप सिंदूर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं, तो अगर आप लिखते हैं द वर्मिलियन मार्क, तो जरूरी नहीं है कि आपकी ऑडियंस समझेगी कि सिंदूर का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या महत्व है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो मैरिड वेमेन है, जो सुहागन है, वो सिंदूर लगाती हैं। तो सिंपली ट्रांसलेट कर देना, उस टारगेट लैंग्वेज में इक्विवेलेंट निकाल देना, ये अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसके अलावा अगर आपने यूनिट नंबर 1 में टॉपिक्स पढ़े होंगे जैसे अडैप्टेशन, तो गाइस अगर अडैप्टेशन की बात करें तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको इसके बहुत अच्छे से एग्जांपल्स पता होंगे, क्योंकि आपने ऐसी बहुत सी मूवीज देखी होंगी जो किसी नॉवल या टेक्स्ट या किसी बुक पर बेस्ड होगी। यानी मान लीजिए अगर आप चेतन भगत की कोई नॉवल लेते हैं, कोई बुक लेते हैं, जिसको एक फिल्म में अडैप्ट किया गया है, तो आप कह सकते हैं दैट इज एन अडैप्टेशन, अ फिल्म अडैप्टेशन ऑफ दैट नॉवल। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे इन्वॉल्व होती है गाइज, इट्स वेरी ऑब्वियस। अगर किसी ऑथर ने बुक लिखी है इंग्लिश में और आप उस बुक पर एक बॉलीवुड फिल्म बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली गाइज पहले ट्रांसलेशन होगी, तभी अडैप्टेशन होगी।
तो गाइज अगर आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई बुक या टेक्स्ट या नॉवल किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है दैट इज डन इन द रिटन फॉर्म। जिन स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश एज अ कोर डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उनको इस चीज की बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि उनके सिलेबस में जितनी पोएम्स उन्होंने पढ़ी हैं उसमें काफी पोएम्स ऐसी होंगी जो ओरिजिनली किसी और लैंग्वेज में लिखी गई होंगी। इवन स्टोरीज, कुछ स्टोरीज उनके सिलेबस में ऐसी हैं जो ओरिजिनली मान लीजिए हिंदी में लिखी गई थी और अब वे उसे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इन सब एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हैं तो आप समझ रहे हैं कि ट्रांसलेशन इसेंशियली रिटन फॉर्म में होती है। लेकिन जब आप इंटरप्रेटिंग की बात करते हैं जो आज का टॉपिक है तो दैट इज ओरल ट्रांसलेशन। अब आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब कोई इंटरप्रेटर किसी पब्लिक स्पीच मान लीजिए किसी सेमिनार में किसी कॉन्फ्रेंस में एक स्पीकर है जो कुछ बोल रहा है एंड ही इज स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज विच द ऑडियंस कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो वहां पर गाइज इंटरप्रेटर का रोल आता है कि जो स्पीकर बोल रहा है वो उसे ट्रांसलेट करें यानी ओरल फॉर्म में ट्रांसलेट करें। तो आप समझ पा रहे हैं कि इंटरप्रेटर का रोल क्या है कि जब भी ओरल ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है यानी कोई स्पीकर जब कुछ बोल रहा होता है किसी लैंग्वेज में जो ऑडियंस नहीं समझ सकती। अब ये देखिए इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ऑडियंस का मतलब यहाँ पे नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत बड़ी एक ऑडियंस गैदर हो रखी है और एक स्पीकर है जो एक लैंग्वेज में बोल रहा है विच दे डोंट अंडरस्टैंड। मैंने रिसेंटली अभी यूट्यूब पर वीडियो देखी है, अगर आप अमेरिकाज गॉट टैलेंट के वीडियोस देखते रहते हैं उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। द ओनली रीजन आई एम गोना शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज बिकॉज यहाँ पर जहाँ पे जजेस बैठते हैं ठीक है और यहाँ पर स्टेज है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैंने देखा कि अमेरिकाज गॉट टैलेंट के किसी पर्टिकुलर सीजन के एपिसोड में एक कपल है जो डांस करने वाले हैं, वो अपने साथ एक इंटरप्रेटर लेके आए हैं बिकॉज आई एम अज्यूमिंग वो किसी और लैंग्वेज को समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझते या अगर समझते भी हैं तो प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। एंड अकॉर्डिंगली जो जजेस जब उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो डायरेक्टली जवाब ना देकर पहले उनकी इंटरप्रेटर उनको इंटरप्रेट करती है कि जज ने ये सवाल आपसे किया है, उसके बाद वो जवाब देते हैं which again she translates back to English for the judges to understand. ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हालांकि इसके अलावा अगर आप और एग्जाम्पल्स देखें तो मान लीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या एक बहुत बड़े लेवल पर कोई सेमिनार कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें मीडिया भी प्रेजेंट है और डिफरेंट नेशंस के डेलीगेट्स प्रेजेंट हैं, अगर वहां पर कोई एक ऐसा मेंबर एक ऐसी लैंग्वेज में बोलता है विच इज नॉट वेरी वेल नोन टू एवरीबॉडी तो वहां पर इट्स वेरी लाइकली कि एक उनका इंटरप्रेटर होगा जो उनकी लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके बताएगा कि इन्होंने क्या बोला। तो इंटरप्रेटर का मतलब गाइज ये है एक ऐसा इंसान जो किसी स्पीच को ओरली ट्रांसलेट करता है। अब इंटरप्रेटर को वो सब काम करने हैं जो एक ट्रांसलेटर को करने होते हैं। देखिए अगर एक पोएम लिखी गई है हिंदी में उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी अ वेरी गुड ट्रांसलेटर। लेकिन इंटरप्रेटर को इसके अलावा एक चीज और क्वालिटी होनी चाहिए, वो ये है कि जिस पिच वॉल्यूम टोन में वो बात कही जा रही है उसका एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन होना चाहिए यानी टारगेट ऑडियंस को समझ में आना चाहिए कि जो बात बोली गई है वो किस पिच में बोली गई है, किस वॉल्यूम में है, क्या टोन इस्तेमाल हुई है और अगर उसमें पॉज दिए गए हैं या वर्ड स्ट्रेसेस हैं तो वो भी एकदम रेप्लिकेट होने चाहिए। तो ये है गाइज इंट्रोडक्शन इंटरप्रेटिंग का कि दिस इज एन एक्ट विच इज सिमिलर टू ट्रांसलेशन, लेकिन फर्क ये है कि ये ओरल ट्रांसलेशन होता है। अगर आपको डिफरेंस के लिए पूछा जाए तो गाइस इसमें मेजरली तीन पॉइंट्स बनते हैं।
पहला तो ये है कि ट्रांसलेटर के पास कन्वीनियंस ऑफ टाइम होता है। कोई पोएम, कोई नॉवल, कोई बुक को अगर ट्रांसलेट करना हो तो उनके पास मान लीजिए एक फिक्स टाइम होता होगा जिसके बीच में उन्हें वो काम करना होगा, लेकिन इवन देन दे हैव द कन्वीनियंस ऑफ टाइम। लेकिन इंटरप्रेटर को क्या करना होता है, जब स्पीकर बोल रहा है उसी समय उनकी स्पीच को ट्रांसलेट करके ओरली ऑडियंस को बतानी होती है। यानी ये काम जनरली इंस्टेंटेनियसली ही होता है। अगर स्पीकर ने बोल दिया और 15 मिनट के बाद अगर इंटरप्रेटर स्पीच रेडी करते हैं तो वो शायद किसी काम की नहीं होगी। ये पहली चीज हो गई। सेकेंडली देखिए, ट्रांसलेटर के पास जितने भी टूल्स हैं विच दे कैन रेफर टू, फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी, ग्लॉसरी, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो रेफर कर सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर की नॉलेज ही काम में आती है। जब भी कोई स्पीच बोली जा रही है सोर्स लैंग्वेज में, उसे टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है यानी ओरली ट्रांसलेट करना है, ऐसे टूल्स उस समय वो काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो काम ऐसा है जो इंस्टेंटेनियसली होता है। उसके बाद ये समझिए कि अगर एक ट्रांसलेटर को कोई बुक, नॉवल या पोएम या एनी अदर टेक्स्ट विच इज इन सोर्स लैंग्वेज अगर उन्हें ट्रांसलेट करना है तो उनको ऑडियंस से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करना है, लिसनर से इंटरैक्ट नहीं करना है। मान लीजिए एक इंग्लिश बुक है, इंग्लिश नॉवल है जिस पर एक बॉलीवुड फिल्म बनने जा रही है, तो अगर उस बुक का एक हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता तो सबसे पहला काम करना होगा कि इस इंग्लिश नॉवल को ट्रांसलेट करना होगा ताकि जो डायलॉग्स उस फिल्म में यूज होने वाले हैं दे कैन बी मेड इन हिंदी। लेकिन इंटरप्रेटर को क्या करना होता है, दैट पर्सन हैज टू हैव इंटरपर्सनल स्किल्स, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के साथ साथ उनको जो बोलना होता है, बताना होता है ऑडियंस को कि स्पीकर ने क्या बोला, दिस इज क्वालिटी विच एन इंटरप्रेटर नीड्स टू हैव इन एडिशन टू ऑल द क्वालिटीज दैट अ ट्रांसलेटर हैज। और अगर आप लास्टली ये बात देखें कि किसी भी सोर्स टेक्स्ट की अगर आप ट्रांसलेशंस देखें, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था इंग्लिश के स्टूडेंट्स का जिनके सिलेबस में पोएम्स हैं, तो कई बार आपको देखने में मिलेगा कि जो पोएम्स ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी उसके ट्रांसलेटेड वर्जन्स एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। यू कैन ऑल्सो कंपेयर, आप जौन सा मर्जी चाहे ट्रांसलेटेड वर्जन यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए, है ना, देयर कैन बी मोर देन वन ट्रांसलेशन। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो देर इज ओनली वन वर्जन, स्पीकर बोल रहा है, देर इज ओनली वन इंटरप्रेटर प्रेजेंट एंड ही हैज टू ओरली ट्रांसलेट दैट टू द ऑडियंस द लैंग्वेज इन विच दे कैन अंडरस्टैंड। तो ये गाइस कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरप्रिटेशन के। जैसे मैंने पहले बोला कि एक बड़े लेवल पर कॉन्फ्रेंस या सेमिनार चल रहा है जिसमें डेलीगेट्स हैं या डिफरेंट मेंबर्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो वहाँ पर जो स्पीकर है उसकी जो स्पीच है उसे इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करेगा ओरली फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी ऑडियंस हैं, ऑडियंस में कितने मेंबर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली वो माइक में बोलेगा, ऑब्वियसली माइक्स ही होते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। एक कोर्ट रूम प्रोसीडिंग चल रही थी, मैंने एक वीडियो रैंडमली देखी यूट्यूब पर, वहां पर जज जो क्वेश्चंस पूछता है ही स्पीकिंग इन इंग्लिश, और जो वुमन है जिनको वो इंटेरोगेट कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं शी अपेरेंटली डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो आप अगर ध्यान से देखें उस वीडियो को, उस वुमन के पीछे एक और वुमन बैठी है, वो क्या करती हैं, इंटरप्रेट करती हैं, जो जज पूछता है इंग्लिश में वो उनके लिए उनकी मदर टंग में ट्रांसलेट करती हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये जो लेडी रिस्पॉन्स देती हैं वो इंटरप्रेटर उसे बैक टू इंग्लिश ट्रांसलेट करती हैं, इंटरप्रेट करती हैं जज के लिए। तो ये दो वीडियोस के लिंक्स मैं नीचे शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप समझें कि प्रैक्टिकली इंटरप्रिटेशन कैसे काम करती है एंड हाउ इज इट अ मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। अब हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन पर जो पूछा गया है आपसे कि हाउ इज कंसेक्यूटिव इंटरप्रेटिंग
different from simultaneous interpreting. पहली चीज ये पूछी गई है, देखिए